ये देखो खेत, ये ऑफ रोड ट्रैक BMW GSC ट्रॉफी। पता नहीं क्या सोचू हम लोग को रात में इतनी ठंड में बाहर आ गए। आज पिकाडिली स्क्वायर जा रहे हैं, बस से 15 मिनट है। वेलकम बैक टू दिस चैनल, व्यूअर आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी बस एक घंटा पहले ब्लॉग एंड किया और अभी दूसरा वीडियो की शुरुआत कर दी। ये है व्लॉगर्स लाइफ। ऑयस्टर कार्ड पिकाडिली सर्कस रात में अच्छा है, खाली है थोड़ा बहुत। एक्चुअली कोई भी कंट्री जाओ ना तो रात में वॉक करने का या फिर घूमने का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। हम लोग क्या काम वाम करके जल्दी सो जाते, जल्दी उठते हैं ना, वो भी अच्छा है, लेकिन रात का एक्सपीरियंस भी लो और ऐसी जगह में लो जो हैपनिंग है उस सिटी की। जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हो गया और बहुत सारी जगह है, और लंदन का पिकाडिली स्क्वायर एंड जो दो चार पिकाडिली सर्कस। थोड़ा सस्ता सा नहीं है ये? टाइम स्क्वायर में बहुत ज्यादा टीवी स्क्रीन है। जहाँ पर भी आप अंडरग्राउंड देखते हो ना, मतलब नीचे मेट्रो चल रही है। चाइनीज को बहुत ठंडी लग रही है। फोटो खींचते यार। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। कल रात को थोड़ी लेट हो गई थी लेकिन हम लोग सही टाइम पे उठ गए। राइट नाउ इट्स 12:45। एज यू कैन सी वी आर रेडी, बस थोड़ा पंप कर रहा हूँ, करना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं किया, पुशअप्स किया, स्क्वाट्स किया, शोल्डर्स किया, उसके बाद नहाया और अभी थोड़ा निकलने के पहले अपन पंप कर रहे हैं। टुडे इज गोना बी अ वेरी लॉन्ग डे बिकॉज आज हम लंदन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। जो वेल्लागिरी कर रहे थे आज वो नहीं करेंगे क्योंकि कल हम लोग को निकलना है स्कॉटलैंड के लिए। ये वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टी शर्ट को अच्छा लगने के लिए पंप कर रहा हूँ। और ये कल रात को जो लिया था रैप वर्कआउट कर रहा हूँ। Janice, I have to say, color of yours is looking very good in London. Thank you. Only in London. तो अभी एक दिक्कत हो गई कि मैं मुंबई से सिर्फ एक प्रॉपर ब्लैक जैकेट लेके आया था, बाकी कोई जैकेट लेके आया नहीं। सोचा था कि लंदन में आके शॉपिंग करूंगा तो आज वो करेंगे, एक और या दो जैकेट और ले लेंगे, बिकॉज हर फोटो में और ब्लॉग में अगर ब्लैक जैकेट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक चीज़ गाइस, एक गुड न्यूज़ है, मुझे कॉस्मोपॉलिटन अवार्ड में दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। एक तो है ट्रैवल, दूसरा है फैशन। तो अगर आपको लगता है मैं डिजर्विंग हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो और मुझे फैशन और ट्रैवल में जाके वोट कर दो। एक्सपेक्ट रेन स्टार्टिंग इन द आफ्टरनून। ट्रस्ट कर रहा हूँ कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जाए और बारिश ना गिरे। सीरी है। जब हम रात को ट्यूब से मेट्रो से आ रहे थे तो मैं नोटिस किया कि सब लोग मेरे जूते को देख रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये अमेरिका नहीं है, लंदन है। यहाँ पर सबकी ड्रेसिंग जो है थोड़ी सोफिस्टिकेटेड रहती है और मैं अभी एकदम वो कौन सा था बच्चन था, सारा जमाना। लोगों को लगता है थिएटर करने जा रहे हैं यार, मैं ऐसा करता होगा। अरे पाउंड मिलेंगे, पाउंड पैसे मिलेंगे, पैसे। आपको रियलिटी बताता हूँ कि ये आइकॉनिक फोटो बूथ है, यहाँ पर सब लोग फोटो लेते हैं। It's the iconic telephone booth in London, which you cannot miss when you come. You cannot miss. और best part है कि ऐसे जब photo booth है, telephone booth को photo booth बड़ा पढ़ के conscious तुमने पढ़ के आया। गलती से हो गया। और ऐसे छोटे लेन में फोटो ले लोगे तो बेटर है, बिकॉज अगर सिटी में जाके लोगे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, सब लोग को फोटो लेना होता है। पकड़ के ऐसा पोज मार रहा है इसके, हेलो, अरे कौन बोल रहा है, अरे कौन बोल रहा है, पोज कर। आवाज और पोज में क्या डिफरेंस है? ये डिस्टर्ब करता है बहुत। कशकाय बरा है, बरा है मुंबई। कशकाय बरा है, आए मुंबई। लाइन लग जाएगी, अंदर नहीं जा पाएंगे। दो ट्रेन बदल के आ गए अपन अपने लक्ष्य पे। अभी कहाँ जाना है? ऊपर। Tired of being tired. ये वसीम के लिए ले लूँगा ये? एक लीटर ले लो। हाँ? मैं बता रहा हूँ फेल हो जाएगी ये दवाई, मैं गारंटी देता हूँ वसीम। तो अभी हम लोग आए हैं लंदन के प्रॉपर डाउनटाउन एरिया में। मान लो हम लोग पवई में थे तो अभी हम लोग आए हैं टाउन में। तो टाउन में कहाँ जाएंगे घंटा देखने के लिए? लंदन। ये देखो खेत, ये ऑफ रोड ट्रैक BMW GSC ट्रॉफी। कैमरा इसका ना लौटा ना, कुछ दिख नहीं रहा। चलो इधर से। मेरा बेस्ट पार्ट बताया गया, मेरे सोनी जैसे मैंने 3 और 4 में दो मेमोरी कार्ड डालते हैं। एक बार किसी ने बोला था तो मैंने पहला मेमोरी कार्ड निकल के जेब में डाल दिया, दूसरा दे दिया, उसने फॉर्मेट मार के दे दिया और मैंने वो वीडियो डाला नहीं, लेकिन मेरे पास था नहीं। पागल है, अपन रूल को फॉलो करते हैं भाई। और ये रहा द फर्स्ट ग्लांस। नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आज धूप अच्छे से निकल रही है, ठंडा है लेकिन ठंडा इतना फील नहीं हो रहा है। मैं पहले भी आया हूँ लेकिन एज अ यूट्यूबर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इसलिए एक्साइटमेंट इतनी नहीं है जितनी इन लोगों को होगी। इस ब्रिज का जो मेन मजा है ना, वो ऊपर से नहीं आता, ऊपर से ऐसा दिखता है। इसका ब्रिज का मेन मजा आता है नीचे से।
और ये प्रॉपरली 8 से 9 सालों में मैं आया हूँ वापस लंदन ब्रिज पे, पवित्र थेम्स नदी के बाजू में, बड़ा उमदा लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। एक्चुअली भीड़ कम है, भीड़ यूजुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। आई रिमेम्बर स्टडिंग दिस पोएट्री इन स्कूल, यू नो, बिफोर 10 इयर्स लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, वेरी कूल, क्या बोल रहे हो? अभी इतने खूबसूरत ब्रिज पे आए हैं तो बॉस 360 लेना बनता है, तो एज यू कैन सी कुछ इस तरह दिखता है यहाँ पर 360 व्यू। और अभी हम लोग को जाना है उस बाजू, वहाँ से राइट मार के वहाँ हम करेंगे हमारा नाश्ता, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया है। एक्चुअली किया था, बहुत हल्का फुल्का कॉर्नफ्लेक्स और दूध था, अभी कुछ हैवी खाएंगे, बनता है क्योंकि आज हम लोग आराम से 2-3 माइल चलने वाले, एक्चुअली ज़्यादा चलेंगे। और ये जो ओरिजिनल टूर की आपको बस दिख रही है, ये बस ले सकते हैं जो कि पूरा लंदन घुमाएगी। ये बस लेने का भी प्लान था, लेकिन द रीज़न हमने ये बस नहीं ली बिकॉज ये फटफट उतारती है, 2 मिनट देती है, फ़ोटो खींच के वापस बैठ जाओ, जो कि हमको नहीं करना था, क्योंकि मैं कतर में इसमें कर चुका हूँ, तो मेरे को मालूम है कि सुनने में अच्छा लगता है लेकिन नहीं, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत जोरों की हवा आ रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो रही है। तो अभी ये जो पॉइंट है, यहाँ से ब्रिज खुल सकता है, ये जो है यहाँ से ब्रिज खुल सकता है, एज यू कैन सी ये थोड़ा यहाँ से नीचे जा रहा है, वहाँ से नीचे जा रहा है, एकदम फ्लैट नहीं है। अब ये कब खुलता है, कब खुला था, ये मुझे नहीं मालूम। अरे कितना अच्छा रहा, देखो 360 में देखो। अभी मिली हमको वो सीट जो कि हम जब से लंदन आए तब से हमको बस में चाहिए, ऊपर की फ्रंट रो सीट जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। इसे बिल्डिंग से ऐसा नहीं लग रहा कि हम टाइम मशीन से पीछे आ गए, और ऊपर से गाड़ियाँ देख के ऐसा लग रहा है कि अपन कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। ये देखो गाड़ियाँ चलती है ना, वो रिमोट वाली गाड़ी चला रहा, रिमोट वाली। तो हम लोग रोड कहीं से भी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत बड़ा टर्न बचाने के लिए यहाँ से आ जाए। हम लोग रूल फॉलो कर रहे थे, रोड क्रॉस नहीं करे, बराबर जीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे थे, फिर देखा कि लोकल लोग ऐसे ही भाग रहे हैं, मैंने बोला हिंदुस्तानी लोगों ने अच्छी चीज सिखाई है, चलो हम भी करते हैं फिर। तो लंदन में आई होप वाला सीन तो है नहीं, तो शानिस ने बहुत अच्छी जगह ढूंढ निकाली, क्या जगह का नाम है, द ब्रेकफास्ट क्लब, पर पूरे दिन मिलता है नाश्ता, तो हम अभी करेंगे दोपहर को नाश्ता। दिस इज हाउ माय कॉफी इज लुकिंग लाइक एनी अदर नॉर्मल अमेरिकानो, एंड दिस इज हाउ A hot chocolate is looking wow with marshmallows. Guys, don't mind me, ek sip lunga. Bye. This looks yum. Thank you to Shanis. Shanis ye sab cheez dhoond ke nikalti hai. Kaash hamare Airbnb ke samne hota to main har din yahi khata aur fir pure din kuch nahi khata. Mujhe lag raha hai abhi sham tak hum sabko bhook nahi lagne wali hai, itna zyada khali hai. Aur acha abhi Big Ben na? Big Ben. लंदन में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का मैंने सीन देखा नहीं जितना अमेरिका में रहता है, लेकिन यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो थोड़ा बहुत मुझे यूएस की याद दिलाती है, वो ये वाली बिल्डिंग, ये आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग पिछले 5 से 10 मिनट से कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई बिग बेन है कि तो दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज गूगल मैप तो बोल रहा है आपके सामने होना चाहिए, मतलब ये बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग को समझ भी नहीं आया। इसके वजह से घड़ी के ऊपर जो है वो गोल्डन कलर का पीक है, जो कि ऑब्वियसली हम लोग को दिखाई नहीं देगा। यहाँ साइड में लंदन बहुत बार आया और बहुत जगह गया हूँ, बहुत चीज़ें ट्राई की है, लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने नहीं ट्राई की है वो है लंदन आए, क्योंकि बजट में रहता था हमेशा और लंदन आए दूर पड़ता था, प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं, आई थिंक वही 30-35 पाउंड है। द लंदन डंजन जाना है, इसमें बहुत बड़ा है यार, नीचे से वो कैसा दिखता है, वाओ अमेजिंग। मॉन्ट्रियल वाला बहुत छोटा था यार, वो लग रहा था सेम साइज का, बिल्कुल भी सेम साइज का नहीं है। ऑल दो जरूरत नहीं थी फास्ट ट्रैक की, क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी निकाली फास्ट ट्रैक। क्यों निकाली फास्ट ट्रैक? फास्ट ट्रैक कहाँ निकाली मैंने? फास्ट ट्रैक थी वो। ये फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक लिखी है। ओके फास्ट ट्रैक लेन। वो 5 पाउंड अलग से देना है फास्ट ट्रैक का, अभी जाके दे आओ। अच्छा तो ये नॉन फास्ट ट्रैक है। अभी बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, मेरा जो ये कैमरे का माइक है वो निकालने बोल दिया, लेकिन शानिस को सोनी का माइक निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मेरे वाला इसमें वायर नहीं है, तो योर्स इज स्मॉलर दिस इज बिगर, सो रिमूव द माइक, दैट इज नॉट फेयर। वेरी गुड। अभी मेरे इसमें ऑडियो इतनी अच्छी नहीं आएगी, सो आई एम सो सॉरी। और ये किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है इसके अंदर? हां, द लंदन आई टर्न्स 20, दैट्स व्हाई इट्स दैट। अच्छा, संभल के जाने, संभल के। हां, ट्रेन में नहीं चढ़ते उतरते, एकदम ऐसे वाली फीलिंग है, एक नंबर भाई साहब। अभी जो पूरा राउंड रहेगा ये 30-45 मिनट्स का रहेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वाली बोट ने ना फुल यहाँ से ऐसा ड्रिफ्ट मारा है, अगर मैं आपको शुरू से बता दूँ ऐसे लग रहा था कि बोट आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, लेकिन बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। और क्या मस्त मजा आता है अंदर जाने के लिए, मैं इसके अंदर गया हूँ, पैरिस में गया हूँ, लंदन में गया हूँ, अभी टाइम मिलेगा तो हम भी जाएंगे। स्मार्ट शैनिस, वेरी स्मार्ट। अगर आपको कम टाइम में लंदन का पूरा 360 डिग्री व्यू चाहिए ना, तो लंदन आए में आना बनता है। हल्की हल्की देखो बारिश गिरना भी शुरू हो गई है और लंदन का प्रॉपर व्यू हम लोग को मिल रहा है यहाँ से।
वेरी नाइस. और शोभित यहाँ पर भी आके फोन पे बात कर रहा है. यहाँ पे डोंट बिलीव सिरी का वेदर फोरकास्ट, लंदन में नहीं चलता वो. सिटी का वेदर फोकस की बात नहीं, जैसे कि मैंने बोला था यू कांट ट्रस्ट द वेदर ऑफ लंदन. आज पूरा सनी बता रहा था और यहाँ पर देखो मेघा आ भी गए, बारिश गिरने भी वाली है. हम लंदन के सबसे टॉप पे हैं, ये लोग थोड़े नीचे हैं, ये लोग तो बहुत ज़्यादा नीचे हैं. ये कुछ ऐसा व्यू मिलता है सबसे टॉप पे आके. आई जस्ट नोटिस कि जो लंदन आई के सामने ये जो घर है और यहाँ पर ये लोग अपनी जो बालकनी से निकल के बैठते हैं, वहाँ पर दो चेयर रखी है. लोगों तो क्या व्यू आता रहेगा पूरे लंदन आई का, अच्छा लगता होगा बैठने के लिए. तो इमेजिन करो अपना खिड़की खोलो, सीधा बाहर चाय लेके कुर्सियों में बैठ जाओ और पूरा लंदन और लंदन आई का दृश्य इंजॉय करो. इन ऑब्वियसली हर चीज़ एक एक टाइम पर बोरिंग हो जाती है, इसके लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा. बट इमेजिन करो घर का कॉस्ट क्या होगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय. ये ड्रिजलिंग से तेज बारिश आना शुरू हो गई, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा लंदन के बारे में. जिस तरह हम लोग को न्यूयॉर्क में तकलीफ होती थी वॉशरूम ढूंढने के लिए, वो लंदन में बिल्कुल भी नहीं हो रही. इनफैक्ट वॉशरूम आसानी से मिल जाते हैं और खाली भी है. एंड कमाल की बात बोलूँ, ऑल्दो यहाँ पर ज़्यादा ठंडी है न्यूयॉर्क से, यहाँ पर सुसू इतनी आ नहीं रही थी लंदन में आती थी. अभी थोड़ी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ठंडी पड़ गई है. तो एक काम करते हैं, कोई शेड ढूंढते हैं या फिर बस पकड़ के निकलते जाना है. थैंक यू फॉर वेटिंग शैनस. तो फाइनली 2 घंटा वापस इन्फिनिटी मोटरसाइकिल बट दूसरे लोकेशन में स्पेंड करने के बाद, सॉरी 360 मैक्स स्पेंड करने के बाद फाइनली जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन मुझे पता है वो मुझे कहीं नहीं मिलने वाली और मिलेगी भी तो ऑटो स्टॉक. बिकॉज यहाँ पर पत्थर रख के क्यों, दिल को बड़ा करके लिया तूने. इट इज लिमिटेड एडिशन, तो जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा. अभी फिलहाल 3 दिन लगेंगे, अपन स्कॉटलैंड से आ जाएंगे तभी आएगा वो. है बारिश बहुत जोरों की आ रही है, तो अभी थोड़ा शेड लेके खड़े रहते हैं कहीं पर, वरना भीग जाएंगे. चलो कोई नहीं है गाइस, तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द शोभित. हैं हाँ बस एंड हो गया, अभी क्या करने का अभी आप मगज मेरे घर तो पहुँच जाए. अभी शॉपिंग करना है वो क्या दिखाओ अभी. इफ यू यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और अगर कुछ होगा तो मैं डाल दूंगा कल के वीडियो में. सो विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज. Shukran, Alvida, Masalama, take care and do whatever you want. Our lovely friends. Shop label MN in the description box below. Also guys, मेरे को वोट करना मत भूलना, okay? चलो शबा कर वोट निखिल. वोट फॉर निखिल एंड मेक हिम ब्लडी विन. यस शानिस का नाम नहीं डाला अगले साल, तू देख जीतने दे मेरे को बाबा. शबा जीते मैं जीते सेम. अरे ये हालत देख लो क्या हो गया. पीक टाइम पे जाने का ट्रेन राइट जाना है ना. अरे बाप लंदन का पिक सीधा चल चाने सीधा. भाई मैंने किया क्या है यार. एक्चुअली इवन निखिल.